हम लोग अब जा रहे हैं चित्रकूट के लिए, और इनको देखो रास्ते में भूख लग आई है तो ये कुछ कुछ खा रही है। दिसंबर का लास्ट चल रहा है और पानी देखिए बहुत गिर रहा है, सर्दी भी है और पानी भी बहुत गिर रहा है। देखिए ऊपर रूफ पे दिख रहा होगा, और कोहरा भी है, सर्दी भी है और पानी भी गिर रहा है। बाहर का दिखा दो, ये सब लोग देखो अपना सामान ढक के रखे हैं बारिश के कारण से। कैसा लग रहा है, नदी भी आई है, नदी भी दिखा दो। तो एकदम से पानी गिरने लगा, अभी सुबह खुला मौसम था, कोहरा था, सर्दी थी, लेकिन फिर अभी पानी गिरने लगा। तो जिनकी शॉप वगैरह जो रोड पे खोलते ना, तो उनने मतलब उठा रहे हैं शॉप। बारिश में तो अलग ही मजा रहता है बारिश का, लेकिन सर्दियों में बारिश हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, फिर अच्छे से ड्राइव करते और गरम गरम कपड़े पहने हो और खाने के लिए तो फिर तरह तरह की चीजें हम लोग भर के रखे हैं, तो बिल्कुल बंद नहीं रहते, खाते ही रहते हैं कुछ। देखो हम तो कैसे खाका के ये खाते पीते घर से। बारिश तेज आने वाली है गाइस। हम चित्रकूट में बहुत सही प्लेसेस हमने देख ली थी और कॉल करके पूछ लिया था रिश्तेदारों से जो भी पहले घूम के आ चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं चित्रकूट में, लेकिन हवा पानी बहुत तेज हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि घूमने का मजा खराब हो जाए। कि गाड़ी में है अभी तो मजे आ रहे हैं, फिर गीले होंगे तब कैसा मजा आएगा सोचो जरा। और कुछ नहीं है मुनक्का वगैरह। अरे यार बहुत सारा अपन नहीं रखा कुछ नहीं, पापा कह रहा था कि ये लेता थी। जंगल में मंगल मना रही है गाय माता, यहाँ तो कोई मकान घर नहीं है। पर गाय माता कहाँ से आ गई, लक्ष्मी जी थी वो। यहाँ सिर्फ कोहरा है और कोहरा, कोहरे की सिवा कुछ नहीं। कुंड है वो, कहाँ है कुंड? कितना अच्छा लग रहा है, उत्तराखंड वाली फीलिंग टाइप। कितना सुंदर मंदिर है, ऊपर तक देखो उसकी केयर मां भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं वहाँ ज़्यादा अच्छा था, वो अपन देख के आए थे वहाँ पर, वहाँ पर उतरेंगे। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो देखते ना टूरिस्ट घूमने जाते हैं ना पहाड़ों के उतने बीच में, यूं कम करके सूट पहन ली थी, मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। देख पानी में से धुआं निकल रहा है, ठंडा पानी धुआं नहीं, उसके बाद धुआं जम रहा है। घंटी बजा जा किधर है ये?
तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हम दर्शन करने के लिए अंदर आ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आप पास से देखेंगे ना, ऐसा लगता है कि रियल में आप उसी दौर में पहुंच गए हैं पहले। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पे वैसे फ़ोटो लेना मना है, लेकिन फिर भी कुछ आपको हम दिखा देते हैं, जितनी वीडियो बन पाई हैं तो वो आप देख लीजिए। मंदिर तो बहुत ही बड़ा है और अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। तो बस कुछ ही हमने वीडियोस बना पाई हैं, तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में जाके एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। ये सारी मूर्तियाँ इसके अंदर बंद हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, नहीं तो लोग ऐसे मतलब हाथ लगाते रहते हैं ना, तो उसका पेंट वगैरह निकल जाता है, इस वजह से कवर करा था। और अब हम और अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा पड़ती है, तो उसके अंदर से आपको जाना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो अब गुफा के बाहर हम आ चुके हैं और अब हम और अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ समाधि भी बनी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि, और हमने दर्शन कर लिए हैं पूरे और अब हम जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पे जो लैंप है ना, तो इनको पन्नी से कवर करके रखा है ताकि धूल नहीं चढ़े। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं, अब पूरा मंदिर हम बाहर से दिखा देते हैं आपको एक बार। कितना विशाल मंदिर है, बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही अमेजिंग। अब एक बार आएंगे ना तो आप भूल नहीं पाएंगे उस नज़ारे को, हमेशा आपको याद रहेगा। और एक तो बारिश हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही प्यारा लगा हम लोगों को। तो ये देखिए पूरी पहाड़ी दिख रही है ऊपर साइड, और ये रथ बने हुए हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा आ गए हैं घाट पर देखने के लिए पास से। तो यहाँ पे कुछ बंदर हैं, तो एक बंदर ने मेरे पे छलांग मार दी थी, तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने चिल्ला दिया था एकदम से। तो ये छोटा सा बंदर पानी में खाना ढूंढ रहा है, बेचारे भूखे रहते हैं। तो गाइस आप मंदिर के लिए जब एंटर करते हैं ना, तो रास्ते में आपको ये छोटा सा यहाँ पे बांध बना हुआ है, तो आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लगा हम लोगों को, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने, पिक्स ली, रील्स बनाई। धार के पास में, यहाँ पे क्या भरे हुए में जा रहा हूँ, पकड़ रहा मत हम लोगों को नहीं तो गिर जाए, नहीं तो सोचे कि हम लोग अच्छे से खड़े। चल चल नहीं, यहाँ पे काई लगी है ना भैया, मजा आया। हम तो यहाँ से पूरा वो आना चाहिए।
उधर देखो, उधर देखो।